नीति में कहा गया है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार बात जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अगर ये चार चीजें मिल जाए तो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इस श्लोक में बताया गया आयु, विद्या, यश और बल हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत है। हर कोई चाहता है कि आयु लंबी हो जाए, है ना? प्यार से बोलो, जोड़ से बोलो ना जी, प्लीज बोल दीजिए ना। हर कोई चाहता है कि हमारी आयु लंबी हो जाए, हर कोई चाहता है कि हमारा यश चारों ओर फैले, हमारा कीर्ति चारों ओर फैले। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें अच्छी विद्या प्राप्त हो और हर व्यक्ति चाहता है कि हम बलवान बने। और आप जानते हैं आयु कैसे प्राप्त होता है, बल हमें कैसे प्राप्त होता है? केवल हॉर्लिक्स और च्यवनप्राश खाने से बल नहीं मिलता, केवल दूध पीने से बल नहीं प्राप्त होता, केवल अच्छा पढ़ाई करने से, सुबह से शाम तक पुस्तक के सामने बैठने से विद्या नहीं मिल सकती। तब कहा कि ये चार चीज कैसे प्राप्त हो जाएंगे। नीति के जब ये श्लोक का वर्णन आप पढ़ाई करोगे, अध्ययन करोगे, तो इसमें सर्वप्रथम कहा है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो व्यक्ति, जो मनुष्य बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, माता पिता का सेवा करता है, घर में जो दादा दादी है उनका सेवा करता है और रोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, ऐसे मनुष्य को आयु भी प्राप्त होता है, विद्या भी प्राप्त होता है, बल भी प्राप्त होता है और यश कीर्ति भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये चार चीज आप भी प्राप्त कर सको तो सदैव एक नियम अपने जीवन में बना लें, आप अपने माता पिता का खूब सेवा करें, खूब सम्मान करें। केवल अपने ही नहीं सभी के माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो हमारे लिए ईश्वर समान होते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, जोड़ से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना।